हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 का ये टू वाला इंग्लिश ग्रामर स्कूल का फर्स्ट सेशन है ऑनलाइन। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपीज़ जो है वो स्कूल से कलेक्ट कर लें। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस फॉर फर्स्ट टर्म। पहला टॉपिक आपका है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेकेंड आपका है ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट एंड एनिमल, एंड द थर्ड टॉपिक इज वाटर। हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार जो है उनकी उनकी मैन्युफैक्चरिंग या उनका स्ट्रक्चर, उनकी बनावट किस तरह की है, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले हम जिसकी बात करेंगे वो बात करेंगे प्लांट्स की, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले हम प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। प्लांट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। अगर आप कभी किसी प्लांट को देखें, किसी पौधे को देखें, तो आप देखेंगे कि उस प्लांट के जो है वो दो पार्ट होते हैं। किसी भी नॉर्मल एक दरख्त को आप देखें तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, मैं इसको जरा रीड कर रहा हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट, अ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेन पार्ट्स, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। Vegetative part, a system, the stem, root and the leaves are the vegetative parts of a plant. They form the main body of a plant. Vegetative part क्या होता है आप देखेंगे, आपके सामने एक प्लांट पिक्चर है। वेजिटेटिव पार्ट, वेज जिसको हम कहते हैं, वेज अगर आप देखें तो वो ग्रीन जो एरिया है जिसमें लीव्स हैं, जिसमें ये स्टेम है, जिसको उर्दू में हम तना कहते हैं, और ये जो है वो हमारा, और जो रूट्स हैं ये हमारा वेजिटेटिव पार्ट है। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट इसको हम कहेंगे। द सेकेंड वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव से मतलब होता है कि किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना, किसी चीज़ की कॉपीज बनाना, उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब वेजिटेटिव पार्ट के अंदर सबसे पहले जिस चीज़ को हमें समझना है वो है स्टेम। स्टेम हम उर्दू में कहते हैं तने को। कभी भी आप किसी दरख्त को या किसी पौधे को देखें तो अगर वो दरख्त ज़मीन में है या कोई पौधा जो है किसी गमले के अंदर, तो आप देखेंगे एक हिस्सा उसका मट्टी के अंदर, जो उसका रूट्स वाला हिस्सा होता है वो मट्टी के अंदर बरीड होता है, और उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो स्टेम और उसके लीव्स होते हैं। ठीक है, स्टेम वो तना होता है जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके अंदर से लीव्स निकल रहे होते हैं। अच्छा, उर्फ आम के अंदर ज़्यादातर एक थॉट ये है कि स्टेम हमेशा जो है वो खड़ा होगा, स्टैंडिंग पोजिशन में होगा, अपराइट पोजिशन में होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं, स्टेम जो है वो अपराइट पोजिशन में नहीं भी होती है। समटाइम स्टेम जो है वो ग्राउंड के साथ साथ चल रहे होते हैं, समटाइम स्टेम जो है वो अंडर द जो है वो आपका ज़मीन की तरफ वो जा रहा होता है। तो स्टेम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम स्टेम जो है वो जो देखे हुए हैं उसके अंदर हमने देखे हैं कि स्टेम अपराइट पोजिशन में होते हैं। द स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट विच ग्रो अबव द ग्राउंड। स्टेम कहाँ होता है? ग्राउंड के अबव होता है। इट बेयर्स लीव, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। अच्छा, उस स्टेम में क्या होता है? एक तो उसमें लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं। बर्ड्स क्या होता है कि अगर आप स्टेम को गौर से देखें तो स्टेम कुछ जगहों से स्वेलो हुआ होता है, सूजा हुआ होता है। वो जो स्वेलो पार्ट होता है या जो सूजा हुआ पार्ट होता है उसमें से जो है वो पौधा जो लीव है उसमें से बाहर निकलता है, या उसमें से मजीद ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं स्टेम के अंदर, उसको हम बर्ड्स कहते हैं। स्टेम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? द स्टेम इज यूजुअली एरेक्ट एंड अपराइट। स्टेम जो है वो ज़्यादातर स्ट्रेट पोजिशन में खड़ा हुआ होता है। बट सम स्टेम्स आर हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग द ग्राउंड लाइक दोज ऑफ स्ट्रॉबेरी प्लांट। लेकिन कुछ स्टेम्स जो होते हैं वो ग्राउंड के साथ साथ बड़े होते हैं, हॉरिजॉन्टली जमीन के साथ साथ बड़े होते हैं। जैसे स्ट्रॉबेरी प्लांट है, जैसे लौकी का प्लांट है, वो जमीन के साथ साथ हॉरिजॉन्टली बड़ा होता है। सम स्टेम्स आर लॉन्ग, थिन एंड वीक। एज इन क्लाइंबिंग प्लांट दे आर थिक एंड फ्लैशी, एज इन बल्ब्स एंड कॉन्स। अब आप कुछ स्टेम को अगर आप देखें तो कुछ स्टेम काफ़ी मोटे होते हैं, कुछ स्टेम काफ़ी पतले होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ भारी होते हैं। इट डिपेंड स्टेम से जो है वो हम प्लांट की जो है वो लाइफ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना मोटा स्टेम होगा उससे हम आइडिया कर सकेंगे कि इसकी उतनी ज़्यादा जो है वो एज है। हम स्टेम से उसकी एज का अंदाज़ा लगाते हैं, और स्टेम जो है कुछ पतले होते हैं, कुछ मोटे, बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के। अगर आप प्लांट्स देखें रास्ते के अंदर, अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं और आप अपने आस पास अगर प्लांट्स को देखें तो आपको स्टेम्स की बहुत सारी कैटेगरीज दिखाई देंगी। कुछ स्टेम्स जो है वो थिक होते हैं, कुछ ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, फ्लैशी एंड इन बल्ब्स, एज इन बल्ब एंड कॉन्स। लीव्स एंड बर्ड्स ग्रो ऑन अ स्टेम हैज अ स्वेलन एरिया कॉल्ड रूट्स। जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप जो स्टेम छोटा होगा
न्यूली सेपल होगा, उसके स्टेम अगर आपके सामने हो, पॉट के अंदर लगा हुआ हो, गमले में लगा हो, तो आप उसको देखेंगे कि उसका जो स्टेम है वो जगह जगह से सूजा हुआ होता है, स्वेलो होता है। उस स्वेलो पार्ट में से मजीद ब्रांचेस निकलती हैं, मजीद उसमें से लीव्स प्रोड्यूस होते हैं। उस स्वेलिंग पार्ट को हम नोड्स कहते हैं। द स्पेस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स इज कॉल्ड एन इंटर नोड। अच्छा, अब आप स्टेम के अंदर देखें तो एक जगह पे थोड़ा सा सूजा हुआ एरिया होगा, स्वेलिंग पार्ट होगा, और फिर थोड़े से एक आध दो फिंगर्स के गैप के बाद या तीन फिंगर्स के गैप के बाद एक और पार्ट होगा जिसमें से मजीद वो लीव्स निकलने की या उस स्वेलिंग पार्ट होगा। ज़्यादातर स्टेम जो है वो अपने टॉप के ऊपर से जो है वो प्लांट को ग्रो कर रहा होता है, उसमें से लीव्स निकाल रहा होता है, और फिर जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो बीच में उसके नोड्स जो है वो बाद में आपको वाजे तौर पर दिखने लगते हैं। वो जो दो नोड्स के बीच का गैप है उसको हम इंटर नोड कहते हैं। Some stems such as those of potatoes and gingers grow underground and lots store a lot of food. अच्छा, कुछ जो स्टेम होते हैं वो ज़मीन के अंदर ग्रो होते हैं, जैसे आपका आलू है, आपका अदरक है, ये सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन के अंदर ग्रो होती हैं, ठीक है। और ये मोटे स्टेम होते हैं, ये बहुत मोटे, आलू देखो आप मोटा होता है, जिंजर मोटा होता है, ये स्टेम मोटे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसको हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी का ये रिसोर्स भी है, एक पर्पस बहुत ज़्यादा एनर्जी का एक जो है वो अल्टरनेट भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। दीज हैव बर्ड्स नोड्स एंड इंटर नोड्स एंड क्लासिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम। अगर आप इसको आलू को या पोटैटोज को आप अगर गौर से देखें तो पोटैटोज जगह जगह से एक आध दो जगह से काफ़ी सारी जगहों से जो है उसके स्वेलिंग पार्ट्स होते हैं, आप उसके नोड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप उसके बर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या आलू अगर आप देखें तो अगर एक आध जगह पे उसको आप फील करें तो आपको दिखेगा कि आलू यहाँ से जो है उसका स्वेलिंग पार्ट है, सूजा हुआ है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये नोड है या ये बर्ड है, और दो नोड्स के बीच का जो गैप है उसको इंटर नोड कहते हैं। यंग स्टेम्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। अब प्लांट का जो नया नया जो स्टेम होता है, जैसे मैंने कहा कि नया जो सेपल होता है, जो न्यूली बॉर्न प्लांट्स होते हैं, उनकी एज बहुत ज़्यादा नहीं होती, अगर आप उनका स्टेम देखें तो ग्रीन होगा, और अगर कोई ट्री आप देखें वो पुराना है, काफ़ी एज है उसकी, काफ़ी बड़ा है, तो उसका जो स्टेम होगा वो ग्रीन ब्राउन होगा। तो न्यूली प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो ग्रीन इसलिए होते हैं कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल एक खास किस्म का सब्सटेंस है जो प्लांट्स को उसका कलर देता है, ठीक है। उसके अंदर दे हैव टाइनी होल्स और स्टोमेटा हैव एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब अगर आप प्लांट के स्टेम के लीव्स को देखें तो लीव्स में बहुत सारे बारीक बारीक होल्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिनको हम इंग्लिश में स्टोमेटा कहते हैं और उर्दू में जो टाइनी होल्स हैं, जो बारीक सुराख हैं, वो जो सुराख हैं उसमें से लीव क्या करता है कि ऑक्सीजन गैस को रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करता है। A stem has a bird at the tip called terminal bird. अब stem के ऊपर एक जो bird होती है जिसमें से leaves निकलते हैं, by which stem increase in length, और stem जो है उससे आगे बढ़ रहा होता है। Small stems called auxiliary, small birds are called auxiliary birds, grow on axil, the action, the junction of the leaf and stem of the leaf, newly branches and flowers grow from the auxiliary birds. एक तो मैंने आपको पहले भी कहा कि stem जो है वो अपने टॉप ऑफ द टिप से बढ़ना शुरू होता है, उसका जो टॉप होता है उसमें से देखें आप नए नए जो है वो ब्रांचेस उसमें से निकलती रहती हैं और आहिस्ता आहिस्ता स्टेम आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन पीछे पीछे जो बर्ड्स उसके रह जाती हैं, बाद में जो प्रोड्यूस होती हैं या बाद में जो सामने आती है उसको हम ऑक्जिलरी बर्ड्स कहते हैं। उसमें से मजीद नई ब्रांचेज निकलती हैं और मजीद नई ब्रांचेज में से मजीद नए जो है वो लीव्स निकलते हैं। स्टेम का फंक्शन क्या है? अगर आप देखें प्लांट के अंदर आप कहते हैं ठीक है भाई एक स्टेम है, उसमें आगे ब्रांचेज निकलती हैं, एक्चुअली स्टेम क्या सिर्फ ये प्लांट को सपोर्ट करने के लिए है या इसका कोई और फंक्शन भी है, या इससे जो है वो कुछ और भी फ़ायदा हासिल किया जा सकता है, या ये प्लांट का किसी और अहम चीज़ का हिस्सा है? द स्टेम बेयर द लीव, सबसे पहले द स्टेम जो है वो लीव्स को होल्ड करता है, बर्ड्स को होल्ड करता है जिसमें से न्यू लीव्स निकल सकते हैं, न्यू ब्रांचेस निकलती हैं, फ्लावर्स को होल्ड करता है, फ्रूट्स को होल्ड करता है ऑफ प्लांट। इट स्पेस ऑफ द लीव, सो ईच लीव कंटेन सनलाइट, अब एयर एंड सनलाइट, और ये ब्रांचेस जो है स्टेम जो है वो हर लीव को इतना सर्टेन ऑफ द गैप प्रोवाइड करता है कि हर लीव जो है वो प्रॉपरली सनलाइट और ऑक्सीजन उसको मिलती रहे, एयर मिलती रहे, और वो जो है वो मर ना जाए, डेड ना हो जाए। इट ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव, इट ट्रांसपोर्ट प्रिपेयर फूड फ्रॉम द रूट्स टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। अच्छा, ये क्या करता है कि ज़मीन में आप पानी जो है वो पौधे को ज़मीन में देते हैं, ठीक है, तो जो रूट्स हैं वो पानी को सक करती हैं, और स्टेम एक जो है वो मोटर की तरह काम करता है, स्टेम एक किस्म का ट्रांसपोर्टर की तरह काम करता है, और वो रूट से पानी जो है वो स्टेम के थ्रू जो है वो हर लीफ तक उसको पहुंचाता
है और लीव तक जो फूड ऊपर जो बनता है, लीव जो फूड बनाते हैं, रूट से पानी प्रोवाइड करवाया, रूट से मिनरल प्रोवाइड करवाया, लीव ने जो है वो खाना बनाया, फूड बनाया, और वो फूड जो है वो स्टेम लीव से लेके रूट्स तक और बाकी पार्ट ऑफ द प्लांट तक पहुंचाता है, ताकि प्लांट जो है वो जो ट्री है वो पूरी तरीके से हेल्दी रहे और सर्वाइव करता रहे। इट होल्ड्स द फ्लावर एक्सपोज्ड टू द एयर सो दे कैन बी पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स और द विंड। अच्छा, स्टेम जो है वो ब्रांचेस को आगे बढ़ाता है और फिर उस पर फ्लावर्स लगते हैं, और फ्लावर्स का एक आपको पूरा प्रोसेस आपको पता है कि प्लांट्स फ्लावर्स जो है वो किस तरह से पोलिनेट होते हैं, किस तरह से बढ़ते हैं, पोलिनेशन का एक पूरा एक अमल होता है, किस तरीके से वो इंसेक्ट्स उस पर आके बैठते हैं और फिर उसके जो सीड्स होते हैं वो इंसेक्ट्स पे लग जाते हैं, और फिर वो बाय विंड भी पोलिनेशन होती है, बाय इंसेक्ट भी पोलिनेशन होती है, और फिर उससे प्लांट अपनी मजीद कॉपीज बना सकता है, मजीद प्लांट्स अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन यंग ग्रीन स्टेम। फोटोसिंथेसिस जो है वो प्लांट के फूड के बनाने का प्रोसेस है, प्लांट के फूड के बनाने का अमल है, उस अमल को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं जो कि यंग प्लांट में होता है ग्रीन स्टेम के अंदर। सम स्टेम स्टोर फूड एंड देयरफॉर बिकम थिक एंड फ्लैशी। और जब स्टेम अपने अंदर बहुत ज़्यादा फूड को स्टोर करता है तो वो ग्रेजुअली बढ़ता जाता है, मोटा होता जाता है और थिक हो जाता है। यहाँ तक जो लेक्चर मैंने आपको डिलीवर किया, अगर इसमें आपको फर्दर कोई एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर्स पे जो मेरा नंबर है, या पर्सनली मुझसे जो है वो कॉन्टैक्ट करके उस इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करवा सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में भी आप चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, आपको स्कूल से कॉपी मिल गई होगी, आपने स्कूल से कॉपी कलेक्ट करनी है क्योंकि आप नए हैं, आपने जो है वो ब्लैक और ब्लू पेन का यूज़ करना है, सिलेबस आपने बनाना है, सिलेबस बनाने के बाद अपने चैप्टर का टाइटल पेज बनाना है, टाइटल पेज के बाद आपने जो है वो क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालनी है, क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग डालने के बाद ब्लैक से आपने क्वेश्चन कॉपी करना है और ब्लू से आपने इसका आंसर रखना है। ये आपके पास दो क्वेश्चंस हैं, नेम द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर स्टेम रूट एंड लीव एंड द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट आर फ्लावर्स, डिस्क्राइब द स्टेम ऑफ अ प्लांट, द स्टेम इज अ पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच ग्रोस अबव द ग्राउंड, इट यूजुअली एरेक्ट्स एंड अपराइट बट सम स्टेम्स ग्रो हॉरिजॉन्टली अराउंड द ग्राउंड, सम स्टेम्स आर लॉन्ग थिन एंड वीक एंड दे आर थिक एंड फ्लैशी, some stems grow underground and store food, stems bear leaves, birds, flowers and fruits, they also transport water from the roots to the leaves and prepare food from leaves to all part of the plant. Hope ke aap isko aapne enjoy kiya hoga, aur further agar aapko isme mazid pe explanation ho to aap mujhse concern kar sakte hain. Thank you very much. Aapne ye kaam mujhe school mein submit karwana hai friday wale din aap log apni copies ke sath aayenge aur main is kaam ko jo hai wo check karke aapko handover kar dunga. तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।